हेलो ऑल तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ आर एच लाइन का ओके कि हम लोग उसको वी एम बेर पर कैसे इंस्टॉल करेंगे तो इधर आप वी एम वेर पर इंस्टॉल कर सकते हो या वर्चुअल बॉक्स पर कर सकते हो या अगर आपके पास विंडोज़ में प्री कन्फिगर्ड हाइपर वी है तो आप उस पर भी कर सकते हो लिनक्स बेस मशीन्स है बेस अगर आपका है तो आप वहाँ पर की वी एम यूज़ कर सकते हो अगर आपको वी एम वर्चुअल मशीन यूज़ करना है तो तो रिक्वायरमेंट क्या है राइट right? तो वी नीड सिंपल सा है वी नीड आर लाइन आई एस इमेज राइट जो आपको कहाँ से मिल जाएगा डेवलपर डॉट हेड कॉम से मिल जाएगा या मैं ड्राइव में शेयर कर दूँगा डाउनलोड कर लेना तो वी नीड दैट आई एस सू इम ओके एंड वी नीड एनी हाइपरवाइजर्स राइट हाइपरवाइजर तो दैट कुड बी योर पी एम वेयर राइट अगर आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स ले सकते हो ओके okay. या अगर आपके पास क्या है इन हाइपर वी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है चलो देखो तो ऑडी मेरे केस में क्या है वी मैं वी एम यूज़ करने वाला तो मेरे केस में वी एम वेयर इंस्टॉल्ड है और मेरे पास ऑडी मैंने आर लाइन का आई सी डाउनलोड कर रखा है तो सिंपल से क्या करते हैं आते हैं अपने लैब पे राइट चलो देखो तो ये मेरे केस मेरा व्यू मेरा अपलिकेशन है राइट right? सिंपल मैं इसको लॉन्च करता हूँ आपको इंस्टॉल कराना सिंपल ई एक्सी फाइल है तो सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना है ओके नाउ लॉन्च योर अपलिकेशन देखो जैसे लॉन्च यहाँ पे करेंगे तो वी नीड टू क्रिएट अ मशीन सीयर राइट तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्लिक ओवर द क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन देखो आपके आएंगे टिपिकल एंड कस्टम टिपिकल मीन्स क्या होता है कि सिस्टम्स uh, आटोमेटिकली आपके रिकमेंडेड हार्डवेयर स्पेसिफाई कर देते हैं इन द केस ऑफ कस्टम वी कैन चूज एंड स्पेसिफाई कि मुझे क्या हार्डवेयर चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए सो वी कैन कस्टमाइज दैट राइट द बेस्ट वे प्रैक्टिस क्या सम यूज इन कस्टमाइज ऑप्शन दिस ऑल नेक्स्ट ओके एंड द डिफॉल्ट पैरामीटर सेम रखना है नेक्स्ट ओके okay. नाउ हियर ग सिंपल क्रिएटिंग अ डम्बी मशीन्स राइट ओएस मैं बाद में इंसर्ट कर लूँगा अगर आपको करना है तो यू कैन इंसर्ट द ओ एस एज वेल तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ सिंपल सा एक डम्बी मशीन्स क्रिएट करता हूँ ओ एस हम लोग बाद में इंस्टॉल करेंगे ठीक है सो चूज़ दिस ऑप्शन आई विल इंस्टॉल ओ एस लेटर राइट नेक्स्ट करना है अब वी एम वेयर को बताओ कि मुझे कौन सा ओ एस इंस्टॉल करना है क्योंकि वी एम वेयर के अंदर हम मल्टीपल टाइप uh, के ओ एस इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक like माइक्रोसॉफ्ट के वी एम वेयर के लिनिक्स के एंड काइंड ऑफ थिंग्स राइट तो मैंने इंस्टॉल करना लिनिक्स का लिनिक्स में कौन सा तो आप यहाँ पे चूज़ करो कि मुझे कौन सा राइट आर एच ऐल सेवन चाहिए सिक्स चाहिए एट चाहिए जो भी फ्लेवर हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे सुविह सेंटो जेबी एन मैंट्री और मल्टीपल टाइप के ओर्स है सेंट वे, सेंट वे, से, वे, वे, से यहाँ पर राइट तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आर एच एल लाइन राइट तो अगर आप नोटिस यहाँ पर करोगे ना तो इसमें जो हमारा वी एम वेयर का वर्जन है इसमें ना आर एच एल लाइन के डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है इवन दो आपके पास आर एच एल देखो सेवन के हैं एट के हैं राइट बट आर एच एल नाइन के नहीं हैं तो करना क्या है ना आपको आपको ही ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे कौन सा क्योंकि फाइव पॉइंट एक्स करना इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका आर एच एल नाइन है वो है हमारा क्या फाइव पॉइंट एक्स जैसे होता है ना कि भाई हमारे पास आर एच एल सिक्स है सेवन है एट है नाइन है तो टू पॉइंट एक्स थ्री पॉइंट टैक्स फोर पॉइंट एक्स राइट तो सिमिलरली मेरे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे आर एच एल फाइव पॉइंट एक्स सिक्सटी फोर मतलब ऐसा ओएस जो कर्नल सपोर्ट करता फाइव पॉइंट एक्स आई मीन टू से फाइव पॉइंट जीरो वन फाइव पॉइंट ओ वन टू एंड सो वन राइट तो मैंने इसको ये चूज़ कर लिया है दस ऑल। नेक्स्ट आप यहाँ पे नाम दे दो अपने वी का तो मेरे केस में क्या के है मेरा आर एच एल नाइन का वर्चुअल मशीन है दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिस तो आप इसको यूज़ कर लेना राइट बाकी इंस्टॉल कहाँ करना है सदस्य so, पाँच अगर आपको चेंज करना है मेरे केस में बाइट पर तो सी ड्राइव इंस्टॉल हो रहे हैं राइट बट इफ वॉन्ट टू चेंज योर लोकेशन तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं राइट right? तो मेरे केस में सी में यू में बात है मेरा राइट right? तो दस तो ये चेंज कर लेना आपकी मर्जी है नेक्स्ट नाउ सी पी कितना देना है उस पर्टिकुलर वी के लिए तो मेरे केस में फिजिकली मेरे पास यहाँ पे आठ कोर का सी है राइट right? तो मैं क्या करता हूँ उसको दो सी दे दूँगा राइट right? तो मेरे पास डिपेंड ऑन दैट एक भी एनफ है एक भी काम चलता है ऐसा नहीं कि आपको दो देना पड़ेगा इफ़ यू आर ओनली वन तो वो भी चलेगा बट मेरे केस में हार्डवेयर है तो मैं इसको असाइन कर दूँगा तो इससे हमारा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट चलेगा राइट तो यू कैन असाइन दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर ऑन दिस ऑन दिस पॉइंट ना और रैम कितना देना अपने को राइट right? देखो तो रैम में क्या प्रोसेस है कि रिकमेंडेशन क्या है कि हम आर एच एल लाइन यूज़ कर रहे हैं राइट right? तो मिनिमम आप दो जी बी रैम दे के चलो एटलीस्ट राइट बट अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं जैसे मेरे केस में यहाँ पर मेरा बेस मशीन पे थर्टी टू जी बी का रैम लगा है तो मैं क्या करता हूँ उसको अ, एक एट जी बी दे देता हूँ यहाँ पे राइट right? एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपके सिस्टम में कितना है तो मेरे केस में यहाँ पे एक थर्टी टू जी बी का रैम है तो मैं क्या करता हूँ इसको एट जी बी देता हूँ सो एन एनफ तो इसको असाइन कर देना आपके यहाँ पे बट दो जी बी रिकमेंडेशन है उसमें काम आपका हो जाएगा इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेसिस नो प्रॉब्लम ठीक है राइट नेक्स्ट नाउ नेटवर्क टाइप ब्रिज नेट एंड सो ऑन तो विल डिस्कस दैट क्या होता है आप इस ऑप्शन को बाद में भी चेंज कर सकते हो वैसे एक वर्वली है यहाँ पे कि ब्रिज क्या करता है आपको अलाउ करता है एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए नेट इंटरनल एंड सोन तो विल डिस्कस दैट एज वेल बट अभी आप डिफॉल्ट छोड़ दो या चेंज करना चेंज भी कर सकते हो वी कैन चेंज दिस ऑप्शन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ आर ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप ये भी कर सकते हैं राइट बाकी एल एस आई लॉजिक्स डिफ़ॉल्ट एज रख देना है इसका जी तो मेरे केस में एक्चुअली मैं uh, एन वी ए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा डिस्क है तो मैं फास्टनेस के लिए मैं एन वी ए यूज़ कर लेता हूँ स्पेस के लिए यहाँ पे नेक्स्ट एंड देन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क ये हम क्या कर रहे हैं कि मेरा ओ एस कहाँ इंस्टॉल होगा राइट right? तो नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे लगभग मैं देता हूँ स्पेस लाइक थर्टी जी बी के आसपास राइट right? ये आपको यूज़ करेगा मैक्सिमम साइज़ आपका टेन जी बी से टेन टू फिफ्टीन के आसपास तो थर्टी जी बी एनफ है अगर आपको कुछ इसमें डेटा स्टोर करना है इवन तो Uh, अगर आप इसमें कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वी हैव एन एफ स्पेस दैट तो आप हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो थर्टी जी पी यहाँ पर हम क्या देते हैं उसको स्टोरेज दे देते हैं और हमने यहाँ पर uh, क्या करना नेक्स्ट करना है नेक्स्ट एन एक बार वेरीफाई कर लेना देन फिनिश तो नोटिस यहाँ पर करना कि हमने अभी यहाँ पे एक डम्बी मशीन क्रिएट किया है राइट सो वी हैव अ डम्बी मशीन अब हमें क्या करना इसमें हमारा वो आई एस आई में इंसर्ट करना है जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है like लाइक मुझे आ रही चल लाइन करना है तो क्या करना है आपको क्लिक करना सी डी डी बी डी ऑप्शन पर राइट फिजिकल डिस्क होगा तो आप फिजिकल यूज़ करोगे मेरे केस में क्या है सॉफ्ट कॉपी आई मेन टू से आई एस एम एज यूज आई एस एम एज फाइल ब्राउज कर लेते हैं इसको यहाँ पे एंड देन मेरे केस में पड़ा है uh, मेरा ड्राइव है लेट मी सर्च ई ड्राइव में ओके okay? तो मैंने इसको चूज कर लिया मेरे इमेज को ब्राउज कर लिया है ओपन एंड देन सो so, यहाँ मेक श्योर sure करना है कि चेक मार्क लगा होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसी मशीन को हम पावर ऑन करेंगे हमारा डीवीडी सीडी जो भी आप बोल सकते हो उसमें कनेक्टेड रहेगा तो देश ऑल ओके एंड सिंपल से क्या करना आपको यहाँ से पावर ऑन करना आप यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो या राइट क्लिक करके पावर ऑन कर सकते हो तो किसी मेथड पर कोई टेंशन नहीं है राइट right? जैसे मशीन पावर ऑन करेंगे ये क्या करेगा आपके डीवीडी से बूट करना स्टार्ट कर देगा ओके okay? चलो तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है इंस्टॉल टेस्ट एंड ट्रबल शूट मुझे पता है मेरा डी वी डी सही तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा ट्रबल शूटिंग मीन्स हम आगे पढ़ने वाले पढ़ेंगे कि इन केस अगर आपको कुछ हो उसमें ट्रबल शूटिंग करना है तो हाउ वी कैन ट्रबल शूट और ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट लूजिंग द डेटा ओके तो अभी हम इंस्टॉल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे क्या करना है मशीन इंस्टॉल करना है ठीक है तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ अभी के लिए ओके लाइक दैट ठीक है तो ये बूट होगा सिस्टम्स आपका ओके okay, फिर करते हम आगे और बोट में थोड़ा टाइम लगता है ये तो आपको वेट करना है एक एक से डेढ़ मिनट के आसपास ओके तो बुण सिस्टम बूट होने के बाद आपके सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा राइट तो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ पे नाउ तो सबसे पहले मैं क्या चूज़ करना है कि आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस का लैंग्वेज तो ठीक है इंग्लिश यू एस हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर राइट ना अब आर एचियल जो आपका रेहेड कोवर्स है इसमें जैसे कंटिन्यू आप करोगे राइट सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे आपके लिए अवेलेबल कि आपको सेटअप में क्या करना है राइट तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सिस्टम में क्या है यहाँ पे टाइम जोनस है कीबोर्ड का टाइप है लैंग्वेज सब एवरीथिंग सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं आप यहाँ से सारे ऑप्शन को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपने को क्या करना का टाइम जोन चेंज करना है राइट जैसे अभी यहाँ पे है अमेरिका न्यूयॉर्क तो मुझे चेंज करना है एशिया कोलकाता तो सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ कहाँ पे एशिया कोलकाता टाइम जोन राइट तो ये आपका एशिया कोलकाता सेलेक्ट हो जाएगा राइट दैट्स ऑल डन इसको बाद में चेंज कर सकते हैं ऐसे नहीं कि अभी करना है यू कैन चेंज एनी टाइम ओके नाउ कनेक्ट टू रेड हेड देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको रेड हेड से लेना है सब्सक्रिप्शन राइट right? तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो या अगर इस ऑप्शन को हम बाद में भी सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट नो प्रॉब्लम नाउ इंस्टॉलेशन सोर्स ये कहाँ से इंस्टॉल हो रहा है तो मेरे केस में मेरा क्या है लोकल डी वी है लोकल सी uh, डी के थ्रू इंस्टॉल हो रहा है तो आपको इसको भी डिफॉल्ट छोड़ देना है और सॉफ्टवेयर uh, सिलेक्शन में बाई डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी पहले से क्या सर्वर विथ जी वाई इट मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो मशीन है वो इंस्टॉल होगा सी एल आई मोड में और जी वाई मोड में राइट right? बट अगर अपने क्या करना है कमांड लाइन में ही करना है तो आप यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो मिनिमल इंस्टॉल राइट सो दस अ बेसिक फंक्शनलिटी बट अभी अगर आपको लिनक्स uh, में काम करना है लाइक like मुझे नहीं पता कमांड कितना कैसे चलाना होता है तो अभी के लिए आप क्या यूज़ करो ग्राफिकली लाइक बोथ इसमें आपको क्या मिल जाते हैं इस वाला ऑप्शन में आ, कमांड भी मिल जाएगा और साथ में आपको ग्राफिकल मिल जाएगा तो बेस्ट प्रैक्टिस अभी के लिए क्या है कि क्या चूज़ करो सर्व विथ जी वाई राइट दस ए पॉइंट नाउ इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन कि आपका जो ओ एस है वो किस पार्टीशन में इंस्टॉल होगा कौन से डिस्क में होगा इधर वी कैसे राइट तो समझो एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर कस्टमाइज या मैनअल पार्टीशन बना सकते हो बट अगर आपको नहीं पता है कि सिस्टम में लिनक्स में रूट बूट से पार्टीशन क्या होते हैं नहीं पता आपको यहाँ पे तो क्या कर दो ऑटोमेटिक करके एड कर दो तो सिस्टम क्या करेगा अपने आप तीस जी को अलग अलग पार्टीशन में सेक्रेट कर देगा अगर आपको नहीं पता तो राइट पार्टीशन्स कैसे बनाते हैं क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे बट अभी के लिए नहीं पता है तो डिफॉल्ट छोड़ दो विल डिस्कस दैट राइट के टर्म कर्नल टर्म नहीं पता अभी के लिए छोड़ देते हैं टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी नहीं सोलशंस के लिए नेटवर्क होस्ट नेम क्या है कि अगर आपको इस वी में किसी से बात करना है किसी बात में आई मीन से कि अगर आपको एक्सटर्नल uh, नेटवर्क में जाना है नेटवर्क कन्फ्यूशन कुछ करना है तो आप यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस इनेबल कर दो ठीक है तो सिस्टम क्या करेगा कि आपके लिए एक यहाँ पे इथरनेट ऐड कर देगा दस वर्चुअली एक्चुअली राइट और अगर आपको यहाँ पे क्या करना है होस्ल सेटअप करना है अपना तो आप ये भी कर सकते हो बट अगर ये चाहो तो ऑप्शन आप बाद में भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि अभी ही करना पड़ेगा राइट तो यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन एनी टाइम तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे चूज़ कर लेना कि मुझे कौन सा ऑप्शन डिफाइन करना है सिस्टम में कौन सा ऑप्शन डिफाइन नहीं करना है राइट तो इसको कर देना है डन राइट एंड uh, उसके बाद प्रोफाइल ऑन सिक्योरिटी प्रोफाइल में इग्नोर कर दो अभी के लिए विल डिस्कस दैट क्या होता है क्या नहीं होता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट रूट हम यहाँ पे दो यूज़र होते हैं सुपर नॉर्मल यूज़र्स राइट और अभी के लिए मेरे पास रूट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं उसका बस पासवर्ड सेट कर लेते हैं लाइक like मैंने सेट किया पासवर्ड राइट right? तो आप क्या कर लो पासवर्ड सेट कर लो राइट right? डन दूसरा बाई डिफ़ॉल्ट अभी आपको अकाउंट को सिक्योर करना लॉक करना तभी तो आप कुछ ऑप्शन नहीं करते हैं मैं इनेबल करके चलता हूँ और अभी बाई डिफ़ॉल्ट आर एच लाइन के अंदर क्या रूट डिसबल होता है इनेबल कैसे करना तब तो यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं या मैं बाद में भी कर सकते हैं तो डन ओके टू टाइम आपको डन करना है एंड uh, उसके बाद यूज़र बनाना आपके यहाँ पे जैसे दस नॉर्मल यूज़र तो मैंने बना लिया पे एक यूज़र किस नाम से एक सत्या नाम से राइट एंड उसका मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ समथिंग लाइक ओके अगर आपको साथ में बनाना उसका मेम्बर तो आप भी बना सकते हो दस ऑल डन ओके एंड देन बस क्या कर देना अपने को बिगिन इंस्टॉलेशन ओके ओके तो आफ्टर क्रिएटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन सिंपल में करते हैं उसको बिगिन इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है यूजर बना दिया है दस ऑल बिगिन ठीक है तो क्या करेगा आपके लिए मशीन क्रिएट कर देगा राइट और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशंस में डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर हार्ड ड्राइव साइज एंड स्पीड ओके तो वेट करते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी कैन कंटिन्यू देट ओके ओके तो इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है रिबूट राइट इंस्टॉलेशंस कम्प्लीटेड अभी हमें लाइसेंस की एक्सेप्ट करना होगा तो वेट करते हैं थोड़ा ओके okay. ओके चलो देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं फिलहाल के लिए द फर्स्ट लॉग इन विद द नॉर्मल यूजर्स इधर अगर आपको रूट्स लॉग इन करना है तो क्लिक ऑन द नॉट लिस्टेड ऑप्शन आपका यूजर नेम रहेगा सुपर यूजर नेम रू एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन राइट तो आपके मशीन में यहाँ पे आपका सिस्टम फॉर right? देखो. That's all. And बाकी अगर अपने को कमांड uh, चलाना है लाइक टर्मिनल चाहिए तो सिंपल आप यहाँ पे एक्टिविटीज पे जाओ राइट एंड देन सिंपल हो टर्मिनल ऑप्शन आ इधर आप विंडोज़ की प्रेस करोगे गेटिंग टर्मिनल ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है राइट तो सर्च करो टर्मिनल पेट एंड right? टर्मिनल्स राइट right? बाकी आपको टर्मिनल यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी एंड देन यू आर गुड टू को जो भी हो कमांड को फायर करना है फायर कर सकते हैं सिगर सक्सेसफुली इंस्टॉल आर एच एल नाइन राइट बाकी नेक्स्ट बेसिस कमांड की uh, बात हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे राइट right? तो बाकी इसमें अगर कुछ डाउट है किसी को सो दे कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स एंड देन इंस्टॉल दैट ठीक है चलो ओके